मुझे बुंदेलखंड की भूमि में आकर बहुत खुशी होती है, परंतु दुख भी पूरा होता है। सागर जिला पूरे प्रदेश में मशहूर है। किस बात के लिए मशहूर है? भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के लिए मशहूर है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अत्याचार के लिए सागर रहा है। अब 5 महीने बचे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी और सुन लीजिए, ये सब नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्मचारी सभी सुन लीजिए, 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। ये आज जिस प्रकार की राजनीति का उपयोग किया गया, दबाने का, डराने का, धमकाने का, सही बात है, इनके पास बचा केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन है। 5 महीने उल्टी गिनती शुरू हो गई है। याद रखिएगा, टारगेट नंबर 1 कमलनाथ का होगा, भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अत्याचार किया है। ये रिफाइनरी, ये एनटीपीसी कौन लाया था? कांग्रेस की सरकार लाई थी। पर मुझे दुख है कि हमारे स्थानीय नौजवानों को जो फायदा होना था नहीं हो पाया। 5 महीने रुकेगा, 5 महीने रुकेगा, हम भी ऐसे नियम बनाएंगे कि सबसे पहले प्राथमिकता सागर जिले में हमारे एनटीपीसी होए, हमारी बीना रिफाइनरी होए, इसमें हमारे स्थानीय नौजवानों को मिलेगा। हमने बुंदेलखंड को पैकेज दिया था 8,000 करोड़ रुपए का। 8,000 करोड़ रुपए का, मैं केंद्र में मंत्री था, हमने इसे स्वीकारा था और राज्य सरकार को दिया था। कहां गया ये 8,000 करोड़ रुपए? भ्रष्टाचार में गया। भ्रष्टाचार में ये किसका पैसा खाया? इन्होंने आपका पैसा खाया, जो 8,000 करोड़ रुपए हमने बुंदेलखंड को दिया था। मैं तो आपको, जो आज सच्चाई है, सच्चाई आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। हमारे सागर जिले में 81,000 लोगों का कर्जा माफ हुआ। 355 करोड़ रुपए का कर्जा पहली किश्त में माफ हुआ। ये तो शुरुआत थी, ये पहला किश्त था और दूसरा किश्त चालू था। जब हमारी सरकार नहीं रही, मैं भी सौदा कर सकता था, मेरे पास, मैं तो मुख्यमंत्री था, विधायक आते थे, कहते थे इतना पैसा मिल रहा है हमें। मैंने कहा मौज करो, कमलनाथ अपनी कुर्सी का सौदा नहीं करने वाला। हम, मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनाऊंगा, हमारी सरकार नहीं रही। और हमने जो किया, कौन सी गलती करी, कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सा गुना मैंने किया कि मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी 100 रुपए 100 यूनिट? कौन सा गुना मैंने किया, पेंशन बढ़ाई? कौन सी गलती मैंने करी कि हमने गौशाला बनाई, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में गौशाला नहीं बनी थी, हमने 11.5 महीने में बना के दिखाई। कौन सा पाप मैंने किया? हमने आरक्षण की बात करी, 27% आरक्षण मिले, कौन सा गुना मैंने किया? ये आज सब आपके सामने।